गुजरात सरकार के इन दिनों दिन ठीक नहीं चल रहे। सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक न सिर्फ फटकार मिल रही है बल्कि बिल्किस बानो जैसे मामले में उन्हें हर बार याचिका खारिज करके अपना मुंह लेकर के वापस लौटना पड़ रहा है। लेकिन सरकार बार बार बिल्किस बानो के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल कर रही है। दरअसल बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को अब एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बिल्किस बानो केस से जुड़े दोषियों की रिहाई के आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई थी। हालांकि आज फिर यानी शुक्रवार को फिर से याचिका दाखिल की गई, पुनर्विचार याचिका, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि इससे पहले गुरुवार को न्यायमूर्ति बी वी नागारत्न और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने खुली अदालत में समीक्षा याचिका को सूचीबद्ध करने के आवेदन को भी खारिज कर दिया था। दरअसल कोर्ट ने यह कहा कि समीक्षा याचिकाओं चुनौती दिए गए आदेश और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को हमने ध्यान से पढ़ा है और देखा है, उसकी समीक्षा की है। कोर्ट ने आगे कहा कि सभी दस्तावेजों को देखने के बाद हम संतुष्ट हैं और हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या समीक्षा याचिकाओं में योग्य बात नहीं है जिसके लिए आदेश की पुनर्विचार की आवश्यकता हो। पीठ ने यह भी कहा कि इसीलिए समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि उसके बाद सरकार फिर से पुनर्विचार याचिका लेकर पहुंच गई। गुजरात सरकार ने अपनी याचिका में दरअसल ये मांग की थी कि 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसमें ये कहना ठीक नहीं है कि उसने दोषियों के साथ मिली भगत करने का काम किया है। कोर्ट की यह टिप्पणी अनुचित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस तर्क पर असहमति जताई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यह भी जानना बेहद जरूरी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं चुनौती दिए गए आदेश और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक हम लोगों ने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि कोर्ट ने उसे देखा भी है और इसीलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं है और न ही हमें ऐसी कोई त्रुटि दिखाई दी या समीक्षा याचिकाओं में कोई ऐसा गुण हो जिसके आधार पर जिस चुनौती दिए गए आदेश पर हम पुनर्विचार करें, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन 11 लोगों को राज्य सरकार यानी गुजरात की सरकार ने अच्छे व्यवहार के लिए रिहा किया था उन्हें जेल वापस लौटना होगा। अदालत ने एक ऐसे फैसले पर ऐतिहासिक आदेश देते हुए कहा था कि राज्य सरकार इन लोगों को रिहा करने में सक्षम नहीं है जिससे जनता में रोष फैल गया था। अदालत ने कहा था कि छूट आदेश में योग्यता का अभाव है। कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिना सोचे समझे ऐसा आदेश पारित करने के लिए भी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला लेते हुए ये कहा था कि दोषियों को केवल उस राज्य से रिहा किया जा सकता है जिसने उन पर पहले मुकदमा चलाया था। इस मामले में यह राज्य महाराष्ट्र था। इस आदेश को पारित करते हुए अदालत ने मई 2022 के जस्टिस अजय रस्तोगी, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपने एक फैसले में एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने अपने फैसले पर भी कड़ी आलोचना की जिसमें दोषियों को अपनी शीघ्र छूट के लिए गुजरात सरकार से अपील करने की अनुमति दी गई थी। जजों ने यह भी कहा कि दोषियों ने धोखाधड़ी के माध्यम से आदेश प्राप्त किए। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात सरकार को 2022 के आदेश की समीक्षा की मांग करनी चाहिए थी लेकिन ये सब नहीं हुआ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सभी आरोपियों को दोबारा जेल में डालने के लिए आदेश सुना दिया था लेकिन सरकार अभी भी उन्हें वापस ला ना सकी। लेकिन फिर भी उस आदेश में जो टिप्पणियां की गई थी उन टिप्पणियों को लेकर के राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दे रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।